किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको मैं सोयाबीन में सूखे के प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है और किसान सोयाबीन की बोनी से लेकर के सोयाबीन की कटाई तक पानी के लिए किसानों को वर्षा पर ही आधारित रहना होता है। और किसी भी अवस्था में वर्षा देर से होना या वर्षा न होने की वजह से जो सूखा पड़ता है उसका नुकसान फसल को होता है। सामान्यतः देखा गया है कि सोयाबीन में 40% तक की पैदावार में कमी सूखे की वजह से होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी जो है किसी भी पौधे के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जहाँ तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन में बोनी से लेकर के फसल के बीज भराव तक पानी की आवश्यकता हमेशा पौधे को रहती है। बोनी के समय ये ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में जब तक 10 सेंटीमीटर तक नमी ना हो तो बोनी नहीं करनी चाहिए। दूसरी आवश्यक नमी होने पर ही बोनी करें। और बोनी के पश्चात अंकुरण के समय में अगर नमी कमी भी होती है तो उसका विपरीत प्रभाव अंकुरण पर नहीं पड़ता है, अतः उस समय चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर अंकुरण के 10 दिन पश्चात या 15 दिन पश्चात, जिसको कि हम प्रारंभिक कायिक अवस्था कहते हैं, उस समय अगर वर्षा नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो उसका सूखे का प्रभाव पौधे पर पड़ता है। तो उस समय हम इससे बचाव के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मल्चिंग एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जैसे गेहूं का भूसा या धान का भूसा या कोई भी भूसा है, तो उसको अगर हम जो अंकुरित फसल है उसके ऊपर अगर बिछा देते हैं तो उससे जो नुकसान होता है पानी का, वाष्पोत्सर्जन के कारण नुकसान होता है, उसको बचा करके हम फसल को सूखे से बचा सकते हैं।